कल से कर रहा है लोग ड्रामा। वॉशरूम है ना बहुत गंदा हो गया, 150 का वेस्ट थाली साफ साफ लिखा हुआ रेडी टू ईट वेज में, गलत है कि सही है? खाना है ना बाहर से बोर्ड किया गया, पेंट्री में ही ये खाना आ जाए तो लड़ाई नहीं। अरे हो गया, अब नहीं देखिएगा, करवा दीजिएगा ठीक है, ये होना जरूरी है। वो तो है, कहीं नहीं लिखा हुआ रेडी टू ईट, आप हमको रेडी टू ईट क्यों दे रहे हैं ये बताइए। टाइम टू टाइम जो है कोच की साफ सफाई हो रही है, ये अच्छी बात है। 40 का ये भी पड़ेगा, 40 का। अजी क्या हाल चाल है आप सभी, सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12331 हावड़ा जम्मू तभी हिमगिरी एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है, ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे को हावड़ा से जम्मू तभी के बीच में। अगर मैं स्टूडेंट की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना रात 11:55 पे हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको दूसरे दिन दोपहर 1:10 पे जम्मू तभी रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो हम लोग स्टेशन से लगभग 2020 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 30 हॉल्ट के साथ 37 घंटा 15 मिनट। तो भाई अभी टाइम हो रहा रात के 11:30, तो अभी भी लगभग 25 मिनट का समय बाकी है अपने ट्रेन आने में। और हिमगिरी एक्सप्रेस जो है ये चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। भाई ये आ चुकी है अपनी ट्रेन, क्राउड आप देखिए। तो भाई यहाँ से अभी फिलहाल हम लोगों ने लिया ये 2 रेल लिफ्ट, जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे एक भी स्टॉल नहीं है, इस वजह से यहाँ से लेना पड़ा। बोले बंद कर दो। और ये एपी सीट 55 साइड लोअर, बैग हमने यहाँ रख दिया है नीचे, लगेज है। वैसे सही है कि इस ट्रेन में भी आपको बेड रोल, बेड सीट और ब्लैंकेट की फैसिलिटी मिल जाएगी, पिल्लो वगैरह आपको मिल जाएगा। तो भाई अपनी ट्रेन जो है हावड़ा से निकल चुकी है बिल्कुल ऑन टाइम। और इधर क्या है ना कि सामने प्लेटफॉर्म पे अंधेरा है, अभी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, आप देख सकते हैं। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 12:15, तो चलिए अब बेडशीट बिछाते हैं, क्योंकि क्या कि 37 घंटा का जर्नी है, तो अभी बेडशीट बिछाएंगे, सोएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे सुबह में। ये अच्छी बात है कि भाई इस ट्रेन में पेट्रोल वगैरह मिल रहा है, पिल्लो भी मिल जाएगा, ब्लैंकेट भी मिल जाएगा, फटाफट दिखाते हैं। और इसके अंदर ये टॉवल भी मिलता है। चलो भाई गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 355 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट झाझा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JAJ और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और झाझा जो है ये आता है बिहार में, प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 120 ट्रेन आकर रुकती है। भाई हम लोग की ट्रेन जो है ना झाझा पहुँचाइए लगभग 40 मिनट बिफोर, तो यहाँ पर टाइम काफ़ी है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बरस कर रहे हैं, टहलते टहलते आराम से प्लेटफॉर्म पे बरस करते हैं। 40 मिनट का समय बाकी है, काफ़ी लंबा समय है। वैसे जब भी इस रूट से जर्नी करते हैं ना, इस स्टेशन से गुजरते हैं तो भाई साहब जिस भी ट्रेन से हम गए हैं ना, इस स्टेशन पे ट्रेन बिफोर ही पहुँचाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलो मौका मिल जाता है यार घूमने का भी। अब क्या है कि जर्नी करते करते ना 5 मिनट के हॉल्ट पर मज़ा नहीं आता है, 20 मिनट का 25 मिनट का हॉल्ट रहता है, अब यहाँ तो 40 मिनट बिफोर आ रहे हैं। भाई पूरा बढ़िया समय आराम से ब्रश व्रश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट स्पेशल ब्रेकफास्ट मंगाए हैं भाई साहब पटना जंक्शन से, इंतज़ार कीजिए। और देखिए यहाँ पे मेरे शहर का लोकोमोटिव, समस्तीपुर का डीजल लोकोमोटिव है भाई साहब। इंस्टेंट प्रीमिक्स टी जो है ये मुझे पड़ा 20 का, और टेस्ट इसका काफ़ी बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे बाघ बकरी भी मिलता है ट्रेन में, लेकिन इस ट्रेन में फिलहाल नहीं है, वो आपको पड़ेगा 15 का, मतलब
चाय के पैकेट पे जितना एमआरपी है उतना ही आपको पे करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 वाली चाय भी आपको ट्रेन में मिल जाएगी डिप्टी, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होता है आपको पता है ही। वैसे रेल नीर मिल रहा है ट्रेन में, ये अच्छी बात है, बिल्कुल एमआरपी के हिसाब से लेट मिल रहा है। तो दो बोतल फिलहाल अभी हमने लिया ये रेल नीर पेंट्री से। चलिए चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद आपको क्रॉसिंग एंट्री दिखाते हैं पटना हावड़ा जन शताब्दी का। तैयार हो जाइए। पनीर कटलेट और ब्रेड ऑमलेट ये मिल जाएगा। वेज कटलेट, पनीर कटलेट आपको मिलेगा 40 का, ब्रेड ऑमलेट आपको मिलेगा 50 का। लेकिन क्या है कि पटना से गुजर रहे थे तो पटना स्टेशन के जस्ट सामने में एक नाश्ता का दुकान है, काफ़ी बढ़िया कचौड़ी सब्जी जलेबी दही वाड़ा मिलता है, तो वहाँ से सानू के थ्रू हमने मंगवाया है। चार टोटल कितना है? 4 4 8 12 पीस होगा ना, 12 पीस कचौड़ी जलेबी दही वाड़ा। दही वाड़ा एकदम गर्म है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, ये पटना का फेमस नाश्ता खिलाने के लिए। ये है गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी दही वड़ा और ये सब्जी। ये भाई सब्जी इतना अच्छा लगता है ना वहाँ का, पूछिए ही मत। तो चलिए ट्राई करते हैं। वैसे जो पटना के हैं उनको पता होगा ये नाश्ता की दुकान के बारे में, बहुत पुराना दुकान है, स्टेशन के बाहर में एक नंबर की तरफ राइट साइड में है। भाई वहाँ का दहीवाड़ा हो, सब्जी हो, जलेबी हो, भाई साहब इतना अच्छा लगता है, सुबह में वहाँ लाइन लगता है भाई, आधा घंटा आपको लग जाएगा तब जाके ये नाश्ता मिलेगा। वहाँ का सब्जी खा के ना सही मत। वहाँ पहली बार जब नाश्ता किए थे हम 2 साल पहले, उसके बाद से ना भाई वहाँ के हम दीवाने हो गए, जब भी आते हैं पटना तो वहीं जाके नाश्ता करते हैं। ये दही वाड़ा है, वहाँ का जलेबी भी काफी बढ़िया होता है भाई। वैसे हम लोग 3 प्लेट मंगाए थे, एक प्लेट में 4 कचौड़ी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, 2 जलेबी मिलेगा और 1 दही वड़ा मिलेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है ना नाश्ते को कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चिकन थाली कैसे? 180 भाई इन्हीं
उल्टी का इंतज़ार है क्योंकि अपने कोच का जो वाशरूम है ना बहुत गंदा हो चुका है, किसी ने भाई उल्टी करके पूरा जाम कर दिया बेसिन। उल्टी कर दिया है? हाँ उल्टी कर दिया है। टाइम हो रहा है सुबह के 11:45, सुबह सुबह भाई ड्रिंक्स कौन करता है, तो सुबह सुबह दारू पी के उल्टी कर रहा है। ये घर में ही ना भाई, ट्रेन है, इसमें बहुत तरह के पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, इसमें आप इस तरह से कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। पूरा बेसिन चौक हो गया था, उल्टी पे उल्टी कर रहे थे, नशा कर लिए थे। नशा करने के लिए भाई बाहर कीजिए, घर में कीजिए, ट्रेन में आप कर दो, उसके कारण दूसरे को प्रॉब्लम होता है। बताइए कहाँ से ये दौड़ के आया यहाँ से आपका? पचास किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है बक्सर रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है लगभग आधा घंटा डिले। वैसे यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। बक्सर रेलवे स्टेशन से पहले इस ट्रेन में आपको लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है, और लंच में इस ट्रेन में आपको मिलेगा वेज थाली, अंडा थाली, चिकन थाली। वेज थाली दिया जा रहा 150 का, अंडा थाली 160 का, और चिकन थाली 180 का। मतलब वेज थाली और अंडा थाली पर भाई 70 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, और चिकन थाली पर 30 नहीं, चिकन थाली पर 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। 130 की चिकन थाली होती है, 180 लिया जा रहा है, तब 70 50, मतलब कि भाई इस ट्रेन में तो मनमाना हो रहा है भाई। खैर कोई नहीं, वेज थाली का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है। बोले हैं भैया कि डेढ़ दो बजे के लगभग आपको ये वेज थाली मिल जाएगा, तो पहले तो बताएंगे भाई वेज थाली कैसा है, उसके बाद फिर बिल का हिसाब तो होता ही है जर्नी में, आपको पता है ही। का बना हुआ गर्मा गर्म ये वेज थाली आ चुका है। पैकिंग देख के ये मत सोचिएगा कि ये जो खाना है ना बाहर से बोर्ड किया गया है, पेंट्री में ही ये खाना बना है और पैक किया गया है। वैसे थाली का प्राइस आपको पता है, भैया बोले थे 150 का, हम बोले ठीक है भैया दे दीजिए, उसके बाद फिर जब बिल मंगाएंगे तो असली रेट आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ थाली में क्या क्या है। तो देखिए इसमें राइस है और ये दाल है, और दाल का क्वालिटी ठीक ठाक कह सकते हैं, और ये मटर पनीर की सब्जी, साथ ही आलू शिमला मिर्च और मटर का सब्जी है। मीठा में गुलाब जामुन दिया गया है, ये सलाद है, और ये अचार है। कितने की थाली दे रहे हैं आप? 150 की थाली होती है? पक्का है? पक्का, गलत लेगा, जाना पड़ेगा मैनेजर को। नहीं पता कर लीजिए, कोई स्टाफ किसी से भी पूछ लीजिए, स्टाफ से नहीं है, मैनेजर से भी आप पता कर लीजिए। 120 लगता था, 120 था पहले, लगने से पहले 80 की बेच था। नहीं 80 तो वो आपका एक्सटेंडर मिल रेलवे का जो है, IRCTC का जो एक्सटेंडर मिल है उसका 80 रुपये का। वो वहाँ पे मेरा ये स्प्रे नहीं करवाया, सामने होगा, देखिएगा करवा दीजिएगा, ठीक है, ये होना जरूरी है। वो तो एक बार होना तो इधर है, ऊपर से डाल देगा। चलो सो जाओ, जा रहे हैं, एक पानी का बोतल ले जा रहे हैं। बस ऑफिस के लिए और कुछ नहीं, चलो।
भाई लगभग 760 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट वाराणसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSB, और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 25 मिनट डिले। और वाराणसी जो है ये आता है यूपी में, प्लेटफॉर्म यहां 9 है और अभी फिलहाल यहां रोजाना 204 ट्रेन आकर रुकती है। और बनारस किस चीज़ के लिए जाना जाता है आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा, काशी विश्वनाथ टेम्पल है यहाँ पे, शिव भक्त काफ़ी दूर दूर से आते हैं ज्योतिर्लिंग पर जल अभिषेक करते हैं। वैसे अभी जो हमने लंच ट्राई किया इस ट्रेन का, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ तो देखिए खाना जो है ना ठीक ठाक है, खाने लायक है, आप खा सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि भाई प्राइस थोड़ा ओवर है। हमने अभी आए थे पैसा मांगने के लिए, हमने भैया को बोला कि भैया बिल लेके आइए, बोले ठीक है। फिर से दोबारा पूछा कितने की थाली है, तो फिर से बोले कि 150 रुपये की थाली है। बोले चलिए ठीक है बिल लेके आइए, तो अभी तक बिल लेके नहीं आए हैं, बिल जैसे ही आता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 4:40, हम लोग लंच किए थे 12:40 में, लंच आया था, सबको लंच किए थे और फिर हम लोगों ने बिल का डिमांड किया था। बिल अभी 4:40 में, देखिए टाइम हो रहा है 4:40, अभी बिल मिला है और बिल जो दिया गया भाई साहब 150 का बिल दिया गया, मतलब 150 की थाली 300 का दिया गया और बिल में साफ साफ लिखा हुआ है रेडी टू ईट वेज मील, लेकिन हम लोग को दिया गया था रेडी टू ईट नहीं था, ठीक है। तो देखिए बिल भी गलत है, तो अभी क्या है अभी बोल रहे थे भैया कि भाई ये तो गलत प्रिंट किए हुए हैं, नहीं नहीं ये सही है सही है। बोले ठीक है, तो अभी चलते हैं मैनेजर के पास और पूछते हैं ये 150 की थाली किस हिसाब से दे रहे हैं और ऊपर से गलत बिल क्यों दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बिल दिखा देता हूँ अपने को, ये आप देखिए पैसेंजर को मतलब ऐसा मूर्ख समझा जाता है, बिल दिया गया 150 का वेज थाली, साफ साफ लिखा हुआ रेडी टू ईट वेज बिल, सही गलत है कि सही है? तो सर को नहीं बोले, कभी नहीं बताया गया, ऑर्डर लेने आए उस वक्त भी नहीं बताया गया 150 का, हम आपको बोले थे ना आप जब दे रहे हैं तो 80 का बता दीजिए ना भाई, आप 80 का बता दीजिए ना, आपको एक मिनट हो मैं देना ही चाहते हैं, आपको बता दीजिए सर को, जो देने वाली बात है जो देने वाली बात है खाना छोड़िए ना, खाना छोड़िए मेरी बात, जो IRCTC का जो रेट है उस हिसाब से हम पे करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं, बेस थाली जो है बेस थाली पे चिकन थाली पे, चिकन थाली में 50 रुपए बढ़ा के ले रहे हैं, बेस थाली अंडा थाली पे 70-70 रुपया बढ़ाया जा रहा है, 80 की बेस थाली 150 में बेची जा रही है, 90 का अंडा थाली 160 में बेचा जा रहा है, बताइए कितना गलत है? आपको मतलब नहीं है, सबसे पहली बात पेंट्री में कितने का कौन सा खाना बनना अलाउ है आपको पता है, स्टैंडर्ड बेच भी आप दूसरा आप नहीं बेच सकते हैं या रेडी टू ईट बेच सकते हैं, लेकिन आपका खाना क्या ऐसा आप सीखे एक दिन दिए ना, नहीं नहीं आप एक दिन दिए हैं, आपको लगता है और क्या अपना रिवर्स ऐसा मैं आपको बोला, पेंट्री देखिए पेंट्री साइड पेंट्री कितना ट्रेन का लीजिएगा, हम सबको कैरी नहीं करते हैं ना, ये देखिए ये सब क्रांति का पूर्वा एक्सप्रेस का सबका बिल लेके चलते हैं, सबका बिल आप मिला लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ रेडी टू ईट, आप हमको रेडी टू ईट क्यों दे रहे हैं ये बताइए, सर उसमें जो हमारा सेटिंग है सर वही है, तो गलत कैसे खाना बढ़िया था, खाना खाए बताया क्वालिटी है खाना का, उन्हें बोले कि खाने में क्वालिटी नहीं है, पूरी जर्नी बोले कि भाई थाली जो दिया गया सही है, रेट थाली ऑफर है लेकिन क्वालिटी एक नंबर, हम बोले हैं पनीर की सब्जी हो चाहे दाल हो, दाल में पानी नहीं है, थिकनेस भी अच्छा है, हर चीज हम बताते हैं सही है तो सही, गलत है गलत। नमस्ते भैया, हम आपका चैनल अभी खोल के देंगे, यूट्यूबर है ना, ब्लॉगिंग करते हैं, देख लीजिए आप इतना जल्दी, नहीं हम पहले भी देखे थे जो वो एक वायरल हुआ था ना वीडियो, ऑलमोस्ट 22 या 5 मिलियन होगा जो डेंजरस। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:50 और जब ऑर्डर लेने आए थे भाई साहब ने मतलब 150 की थाली का ऑर्डर लिया था और बिल भी गलत था, बिल में जो था वो रेडी टू ईट फूड का बिल था, और देखिए अभी पेंट्री में गए हैं अब जाकर सही बिल दिया गया 80 की थाली, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा 80 की ये स्टैंडर्ड वेज थाली है, इसमें से गोली निकलता है,
किसको मारना है? आपको ऐसा मारना है उनको। हाँ तुमको मारेंगे तो फिर कैसे होगा, तुम कैसे जाएगा ट्रेन से? ट्रेन से मम्मी ने मारते दिखाई ना, देखो मार के दिखा, चोट लगा नहीं लगा? अरे चोट तो लगा होगा, स्ट्रॉन्ग है तुम, चोट नहीं लग रहा, स्ट्रॉन्ग है। क्या खा रहा था? दो पैसा लेके क्या कर रहा है? क्या लेगा पैसा से? पैसा से तो दे रहा। क्या लेगा दिखा, कहाँ से लाया पैसा? पैसा उनको मम्मी दिया आपको। क्या लेगा? मस्ता है तो स्ट्रॉन्ग है तो, और इसे बंदूक की चलता है। हाँ इसमें से गोली निकलता है, फाटा के मर जाता है। जो बदमाशी करता है उसको लगता है, जो बदमाशी नहीं करेगा उसको नहीं लगेगा। ये बदमाशी नहीं करती, ये ठीक है। ये बंदूक है, आ जाए तो हाँ चलो चलो, लड़ाई नहीं, अरे हो गया, अब नहीं, अब नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6:10 और अभी क्या है कि स्नैक्स हम लोगों ने ले लिया है। इस ट्रेन में स्नैक्स में आपको मिल जाएगा समोसा, आलू पकौड़ा, चौमीन और पनीर पकौड़ा। तो अभी क्या है कि 30 का मुझे पड़ा, दो समोसा है और ये आलू पकौड़ा है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे आपके पास ऑप्शन रहता है, आप चाहे तो आलू पकौड़ा ही ले सकते हैं, नहीं तो आप 3 समोसा ही ले सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप लीजिएगा ना 10 रुपये पीस पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं आलू पकौड़ा। और जब हम पेंट्री में अभी गए थे तो सामने में ही बन रहा था, पैक हो रहा था। और रही बात बिल की, तो भाई उसका बातचीत करते हैं रेलवे स्टेशन पे, पहले खा लेते हैं ना उसके बाद बातचीत करते हैं। भाई आलू पकौड़ा बढ़िया है भाई, ये भुजिया के साथ खाने वाला, मूढ़ी के साथ मिला के खाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। बढ़िया आलू पकौड़ा, समोसा ट्राई करते हैं साथ में, ये सॉस दिया गया है। भाई समोसा ही बढ़िया, सही है यार। मतलब इस ट्रेन का खाना भी बढ़िया था और ये स्नैक्स जो है ना ये भी काफी बढ़िया है। अब बचा क्या, चौमीन और पनीर पकौड़ा ट्राई करने का। वो भी हमने बोला है भैया को, देखिए अगर उनके पास बचेगा तो वो लेके आएंगे, फिर वो भी ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे वो कैसा है। तब तक ये ले, तब तक ये हम लोग खाते हैं अभी, उसके बाद आगे जो भी होगा दिखाएंगे। एक बात भाई सही है, इस ट्रेन में साफ सफाई काफी बढ़िया है, देख रहे हैं टाइम टू टाइम जो है कोच की साफ सफाई हो रही है, ये अच्छी बात है। नहीं अभी कुछ देर पहले हम लोग समोसा और आलू पकौड़ा ट्राई किए थे पेंट्री का, और देखिए अभी आ गया है ये चौमीन और ये पनीर पकौड़ा, और ये पड़ेगा आपको 40 का, ये भी पड़ेगा 40 का। और देखिए इसमें ऊपर में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है वेज नूडल्स 40 का, ये देखिए लिखा हुआ है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं पनीर पकौड़ा कैसा है। वैसे समोसा और आलू पकौड़ा भाई इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया, आप ट्राई कीजिएगा ही जरूर, ठीक है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इतना ट्रेन जर्नी की ऐसा समोसा हम नहीं खाते जैसा समोसा जो है ना इस पेंट्री का था, और पकौड़ा भी, आलू पकौड़ा, पनीर पकौड़ा ट्राई करते हैं। ये है पनीर पकौड़ा, और पनीर पकौड़ा भी मतलब खाना सही है, लेकिन इससे बढ़िया आपको लगा था आलू पकौड़ा खाना। इसमें क्या है कि पनीर का टुकड़ा दिया गया, ऊपर से बेसन जो है ना वो लपेटा गया, लेकिन आलू पकौड़ा को काफी अच्छा लगा था, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं चौमीन, वो देखते हैं कैसा है। मसाला वगैरह तो इसमें लग रहा है इससे कम डाला गया है, सही है, मसाला वैसे भी बहुत कम खाते हैं। सही है, ये भी सही है। तो कहाँ आ रहा है भाई, जनरल क्लास इधर है कहाँ? लोग कहाँ जा रहा है, जनरल क्लास नहीं है इधर भाई, दौड़ रहा है लोग, पीछे है, पीछे है भाई, जनरल क्लास पीछे है, इधर नहीं है। लगभग 1045 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है 10 मिनट डिले, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है LKO। तो चलिए अब बात करते हैं बिल की। तो देखिए जब खाना का ऑर्डर लिया जा रहा था उस वक्त आपने सुना ही भैया वेज थाली, चिकन थाली और अंडा थाली के बारे में क्या बता रहे थे, प्राइस क्या बता रहे थे,
जब बिल लेके आए तो वो 150 का बिल था, और बिल जो था वो रेडी टू ईट फूड का था बिल था। भाई हम लोग खाए वेज मील, स्टैंडर्ड वेज मील खाए, तो रेडी टू ईट फूड का क्यों बिल दिया गया? फिर हमने बोला भैया ये तो बिल गलत है, तो बोले ठीक है आप चले जाइए मैनेजर से बात कर लीजिए। फिर गए मैनेजर के पास, गए पेंट्री में, तो उन्होंने बोला नहीं 80 की वेज थाली होती है, बताइए। और हम बोले भाई ये प्रिंट कैसे गलत हो गया, रेडी टू ईट फूड तो हम तो खाए नहीं, हम तो वेज मील खाए थे, स्टैंडर्ड वेज मील, तो आप ये गलत प्रिंट कैसे दे दिए? तो बोले कि भैया गलती हो गया, वो गलती से दे दिया होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा। भाई कैसे मिस प्रिंट हो जाता है? और देखिए ये है अपनी कोच B5 कहाँ लगी हुई है, प्लेटफॉर्म से बाहर। भाई वहाँ से उतर के अभी आए यहाँ प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म का लास्ट छोड़ है, और देखिए फिर से साफ सफाई हो रही है। भाई इस ट्रेन का साफ सफाई बढ़िया है यार। अभी रात के बज रहे हैं 9:20, और अपना डिनर आ चुका है पैंट्री से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या है। वैसे देखिए अभी जो डिनर दिया गया है वो दिया गया ट्रे में, लंच जो दिया गया था आज वो दिया गया था ट्रे में नहीं था, वो अलग सा पैकिंग था उसका, इसमें ट्रे में दिया गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या है। देखिए ये राइस है, ये दाल है, दाल का क्वालिटी आप देखिए, देख रहे हैं। लंच में जो दाल दिया गया था उसका थिकनेस और इसमें बहुत अंतर है भाई, उसका थिकनेस सही था लेकिन ये सही नहीं है। साथ ही ये सब्जी है, अभी सब्जी जो दिया गया है आलू बीन्स की सब्जी है, दही दिया गया है, और ये अचार दिया गया है, और ये नमक का पैकेट दिया गया है, साथ ही दो पराठा दिया गया है। और ये जो पराठा है ना ये सुबह में ही बोर्ड किया गया था, पराठा पेंट्री में नहीं बनता है, तो सुबह वाला पराठा आप समझ सकते हैं कितना ठंडा पराठा है। क्या करें, जो भी है खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो सबसे पहले अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं भाई पराठा के साथ आलू बीन्स की सब्जी। सब्जी जो है आलू बीन्स की सही है, तो पेट भरने लायक है, आप खा सकते हैं। लेकिन पराठा भाई सुबह वाला बहुत ठंडा पराठा हो गया, और दाल तो भाई दाल ट्राई कर, वैसे पूरा पानी नजर आ रहा होगा आपको, देख रहे हैं पानी है, देखो दाल में दम नहीं है। दही ट्राई करते हैं, देखते हैं दही फ्रेश है कि नहीं। क्या है कि दही जो है ना वो पैक देना होता है, लेकिन देखिए ओपन दही दिया गया, अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि भाई साहब ये प्योर दूध का दही है कि पाउडर वाला दही है, ये बता नहीं सकते। वैसे इनको पैक दही देना होता है, दही वैसे तो सही लग रहा है, बट वही है ना कंफ्यूजन है, ये पाउडर वाला भी हो सकता है, पैक दही में कंफ्यूजन नहीं रहता है। इनमें तो भाई कंफ्यूजन पता ही है, ट्रेन का खाना कैसे विश्वास कर सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। वैसे चलिए रात के डिनर में मुझे बस ये अभी जो है ना सब्जी सही लगा, राइस गर्म है, दाल सही नहीं है, पराठा ठंडी है, और दही ठीक ठाक है। चलिए हम लोग डिनर कंप्लीट करते हैं, और ये जो थाली है ये है 80। रात के बज रहे हैं 11:30, मतलब लगभग हम लोग इस ट्रेन से 24 घंटे का सफर पूरा कर लिया है, और कोच के सभी पैसेंजर लगभग अभी सो चुके हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30। चलिए हम भी सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग लगभग 1755 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग ट्रेन पहुंच चुकी है इस ट्रेन का 27वां और लुधियाना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LDH, और यहां इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 40 मिनट डिले। और लुधियाना जो है ये आता है पंजाब में, प्लेटफॉर्म यहाँ 7 है, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 218 ट्रेन आकर रुकती है, और लुधियाना को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, साथ ही पंजाब का टेक्सटाइल हाउस भी कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच का पोजीशन और फेयर के बारे में बताता हूँ कि ये ट्रेन कितनी कोच के साथ चलती है और फेयर क्या है इसका। तो भाई देखिए इस
इसमें एक HA1 कोच है, एक सेकेंड AC का कोच है, 5 थर्ड AC है, 9 स्लीपर क्लास है, 3 जनरल कोच और एक पेंट्री कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ तो मैं जर्नी कर रहा हूँ 3rd AC में। अगर आप इस ट्रेन में 3rd AC में जर्नी कीजिएगा हावड़ा से जम्मू तभी उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2100 रुपया। अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी कीजिएगा हावड़ा से जम्मू तभी उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 800 रुपया। भाई सुबह सुबह लेमन टी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। वैसे ये जो है अपने फैमिली मेम्बर ही हैं। थैंक यू भाई। पहला वीडियो हम बट वही देखे थे, वो पम्बन ब्रिज वाला, ट्रेन वाला बट जा रहा था। हाँ हाँ, मतलब समुद्र जैसा लग रहा था। हाँ, वो एक्चुअली में थंबनेल भी मस्त था। अच्छा, थंबनेल के अकॉर्डिंग ही यूट्यूब पे वायरल हो गया। ओहो हो, बट उसको हमको अच्छा लगा क्योंकि रुक कहीं हम देखे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे देखे चेन्नई का सीन था। अच्छा अच्छा भाई, सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी हम लोगों ने लिया ये लेमन टी, और लेमन टी इस ट्रेन का ठीक ठाक है। मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला गया, इतना पी सकते हैं। लेमन टी का बात ही अलग होता है भाई। तो इस लेमन टी के साथ देखिए, ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पेंट्री से लिया है वेज कटलेट। वैसे आज दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन सुबह में ना ब्रेकफास्ट में आपको मिल जाएगा वेज कटलेट और ब्रेड ऑमलेट। तो वेज कटलेट ही आपको पड़ेगा 40 का, ब्रेड ऑमलेट पड़ेगा वो भी 40 का पड़ेगा। तो हम लोगों ने वेज कटलेट लिया है, इसमें 2 ब्रेड दिया गया है, बटर ब्रेड, ऐसे बटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तो बटर लगा हुआ है, और साथ ही ये 2 कटलेट, साथ में ये केचप दिया गया है। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं ये वेज कटलेट है कैसा। ये पेंट्री में बना, सही है भाई, सही है, कटलेट बिल्कुल फ्रेश लग रहा है भाई। कंटिन्यू कर रहे हैं अभी जम्मू मेल में बैठकर। उस जर्नी के दौरान कुछ इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोग जर्नी कर रहे थे B5 कोच में, तो लक्की सराय से 6-7 लोग बोर्ड किए थे उस ट्रेन में, और सभी लोग जो है ना वो ड्रिंक किए हुए थे आपस में, गाली गलौज कर रहे थे पूरी जर्नी के दौरान, स्मोकिंग कर रहे थे, तो हम इग्नोर कर रहे थे। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि हद तो तब हो गया कि जब वो सीट पर बैठ के स्मोकिंग करने लगे, बगल वाले सीट पर हम थे भाई, हमने उनको मना किया, वो मानने को तैयार नहीं हुए। फिर वो बाहर निकले, इसी पैनल होता है वहाँ पे खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहे थे, ग्रुप था, सब पिए हुए थे आपस में। तो हमने मना किया, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके कारण दूसरे पैसेंजर भी परेशान हो रहे हैं। इस वजह से ना हम लोग मतलब जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस हिमगिरी एक्सप्रेस का मतलब आपने तो देखा ही होगा, जो भी चीज़ था हमने दिखाया। प्राइस, खाना का जो प्राइस था वो थोड़ा ओवर था, अदरवाइज साफ़ सफाई अगर मैं वाशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो वो भी एवरेज था। लेकिन अब क्या है कि जर्नी के लास्ट में भाई मूड ख़राब हो गया, इस वजह से जर्नी को हम लास्ट नहीं इंड नहीं कर पाए। तो अभी क्या है कि हम दर्शन कर लिए हैं तो वापस जा रहे हैं दिल्ली, तो सोचे कि भाई जम्मू मेल में ही इस ब्लॉग को लास्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ जहाँ भी गलत हो ना भाई साहब आवाज़ ज़रूर उठाएं, कंप्लेंट, एक कंप्लेंट तो कर नहीं, रिटर्न कीजिएगा, ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो आप इग्नोर कीजिएगा, फिर यही लोग दूसरी ट्रेन में जाएंगे, वहाँ जाकर फिर यही काम करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, फाइनल पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। हाँ सर, हम लोग हैं, अरे हम लोग के साथ मोबाइल नंबर।
कल से कर रहा है।